हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन अवर चैनल अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है या द्विघात समीकरण को कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हमने जानकारी दी थी। आज हम अपने प्यारे दर्शकों को ये बताएंगे कि जो द्विघात समीकरण है उसको किस तरह से हल किया जाता है और द्विघात समीकरण के हल किस तरह से निकाले जा सकते हैं। आइए अभी हम देखते हैं द्विघात समीकरण के हलों को निकालना। और ये जो कक्षा 10 है उसमें चैप्टर नंबर आपका जो 4 है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, उसको हम हल करना सीखेंगे आज की इस वीडियो में। क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2, द्विघात समीकरण के मूल, या उसको हम शून्यक भी कहते हैं या उसको हम हल भी कहते हैं। तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करो, द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करो या फिर इसके मूल ज्ञात करो, तो वो हम आज निकालेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण के मानक रूप क्या होते हैं या उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए, ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दिया आप सभी के लिए, ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल या द्विघात समीकरण के हल या शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। तो मेरा एक आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम जो करने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण के मूल निकालने का, किस तरह से हम करेंगे। इसमें हो सकता है कि आपको ये मेथड पहले से भी आते हो और जगह से भी आपने पढ़े हो, मगर मुझे लगता है कि जब हम इस चैनल के माध्यम से इसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज के इस वीडियो में द्विघात समीकरण को हल करने का जो नया तरीका है वो क्या है। हमारे पास ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहां पर हमारा जो चर है वो x है और अचर राशियां जो है हमारे पास a, b और c है। कुछ एक समीकरण में, द्विघात में, यहां पर कोई गुणांक नहीं होता है, यहां पर गुणांक होता है, लेकिन हम एक मानक रूप को लेकर चलेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, और आप देखना कि चुटकियों में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। बस हमने क्या करना है, सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो हमारे पास अंतिम का पद होता है, मतलब x की 2, यहां पर x की 1 और यहां पर x की 0, ये हमारा मानक रूप का, ये ध्यान रखना आपने, मानक रूप का जो अंतिम पद होता है और द्विघात समीकरण के मानक रूप के पहले पद का जो गुणांक होता है, ठीक है, अंतिम पद और जो हमारा द्विघात समीकरण का पहले पद का जो गुणांक होता है, उन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, पहला स्टेप जो रहेगा हमारा, हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है, c इंटू ए। यहां पर अभी क्वेश्चन समझेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि मान लो उसको गुणा करके, मान लो 16 आया, 15 आया या -14 आया, -20, कुछ भी, एनी हाउ कुछ भी संख्या हमारे पास आएगी बाद में। उसके बाद हमने शुरू का और लास्ट का इनको तो हमने ले लिया, अब बचा बीच का। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, आपने उसके गुणनखंड करने हैं। जैसे 20 है तो 20 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 × 20, दूसरा कौन सा 10 × 20, या अगर मान लो आपके पास 24 है तो 24 के गुणनखंड क्या होते हैं, 4 × 6 कितने होते हैं, 24, और 12 × 2 कितने होते हैं, 24, 8 × 3 कितने होते हैं, 24। इस तरह से आपके पास जो गुणनखंड होंगे वो आपको पहले ही पता है। अब हम कौन सा गुणनखंड इसमें से लेंगे, ये बहुत आसानी से आप यहां से जज कर पाएंगे, किससे, बीच वाली टर्म से। आपने करना क्या है कि जो भी आपके पास दो फैक्टर्स होंगे, c और a, जो मल्टीप्लाई करके आया था, उनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जो आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया था, और इन दोनों को आपस में प्लस करना है आपने, या प्लस करना है या फिर माइनस करना है। यदि प्लस करके हमें ये वैल्यू मिलती है तो हम वो वाला गुणनखंड सिलेक्ट करेंगे, या माइनस करके वो वाली वैल्यू मिलती है तो हम वही वाला गुणनखंड सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज। तो आइए द्विघात समीकरण के हल निकालते हैं, और उसके लिए हम पहला एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में हमने सारी वैल्यूज प्लस के लिए भी है, क्योंकि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें पहले आसान तरीका सीखना चाहिए, और उसके बाद हम जितना भी जटिल क्वेश्चन आएगा उसको हम सॉल्व करना बड़ी आसानी से सीख लेंगे। एक्स की 2 जमा 7x जमा 10, ये हमारे पास मानक रूप में है, x की 2, x और यहां पर x की पावर नहीं है, ये हमारा मानक रूप है। सबसे पहले हमने देखना है कि द्विघात समीकरण क्या मानक रूप में है, यदि नहीं तो पहले उसको मानक रूप में लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहला स्टेप बताया था, यदि आपको याद हो, शायद इसी 2 मिनट पहले बताया था, पहला स्टेप क्या था कि आपने क्या करना है कि जो अंतिम का पद होता है और शुरू के पद का जो गुणांक होता है उनको आपस में गुणा करना है।
अब देखिए अंतिम का पद कौन है आपके पास, प्लस 10। इस चीज का खास ध्यान रखना है, बच्चे अक्सर क्या गलतियां करते हैं कि 10 के साथ जो साइन है उसको नहीं याद रखते हैं। अब वो कह देंगे कि 10 है, अगर माइनस है तो भी उसको 10 कहेंगे। नहीं, मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स में यदि साइन लिखा है तो ये दिस इज नॉट 10, दिस इज प्लस 10, दिस इज प्लस 7 एंड दिस इज यस दिस इज 1। यहां पर कोई भी गुणांक अगर नहीं हो तो क्या होता है, वहां पर 1 होता है। तो हमारे पास कितना है, 10 प्लस है तो मैं नहीं लिखूंगा। और अब बताइए कि शुरू में जो है x के पीछे का गुणांक जो कि नहीं दिखाई दे रहा है वो कितना है? जी हाँ, वो कितना है? 1, जो अदृश्य है। अदृश्य शक्ति भी है ना, कहते हैं कि सबका मालिक 1। हाँ, तो जब भी हम किसी भी जो हमारा चर है उसके पीछे का गुणांक नहीं लिखा है, इसका मतलब समझ लो वहां पर उसका गुणांक कितना है, 1, दैट इज 1। तो अब बताइए 10 गुणा 1 को हमने गुणा किया तो कितना है हमारे पास, 10। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने सेकंड स्टेप में चलना है। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या समझाया था कि आपने उस 10 जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि 10 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं। पहला फैक्टर है जो 10 का वो होता है 10 गुणा 1, ठीक है जी। दूसरा फैक्टर होता है आपके पास 5 गुणा 2, 5 दो 10। और आई थिंक तीसरा फैक्टर 10 का नहीं होता। पहला फैक्टर 10 से कम 10 और दूसरा 5 दो 10। तो 10 के केवल हमारे पास दो ही फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि हम कौन सा फैक्टर लें, हमें कौन सा फैक्टर चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कभी भी अपने माइंड के ऊपर, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस नहीं रखना है। इजी वे में आप मैथमेटिक्स सीखोगे, बहुत अच्छा सीखोगे। 10 और 1 एक गुणनखंड आ गया, स्टेप से हम चल रहे हैं। दूसरा गुणनखंड 5 और 2, इसके अलावा कोई गुणनखंड है ही नहीं, तो हमने केवल इन दो को चेक करना है। फिर मैंने क्या बताया था दूसरे स्टेप में कि जो भी गुणनखंड के फैक्टर्स आएंगे, ये फैक्टर्स है हमारे पास गुणनखंड, उन दोनों को या तो आपने प्लस करना है और या फिर आपने माइनस करना है। और वो क्या बताएगा आपको, तीसरे पद के बारे में जानकारी देगा। तो शायद आप समझ भी पा रहे होगे कि कौन सा फैक्टर हमें चाहिए यहां पर, अगर मैं ना बताऊं आपको। क्योंकि देखिए 10 से कम 10 तो आ गया, परंतु 10 प्लस 1 कितना होता है, 11, यहां पर नहीं है। और 10 में से यदि हम एक माइनस करते हैं तो 9, वो भी यहां पर नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए 5 दुना 10, बिल्कुल सही है। और 5 में से 2 गया तो 3 होता है, जो कि यह नहीं है। परंतु 5 और 2 यदि हम प्लस करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 7, कितना मिलता है, 7। तो हम इसको, इस वाले फैक्टर्स को हम ले लेंगे और इस वाले फैक्टर को नहीं लेंगे। तो हमारे पास सेकंड स्टेप में कौन कौन से फैक्टर आए, 5 और 2। अब हम इस द्विघात समीकरणों आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे इक्विपमेंट आ चुके हैं, केवल हमने इसको जोड़ना है और उसका हल निकालना है। देखिए क्या करेंगे, हमारा ये जो कार्य होता है द्विघात समीकरण में, ये केवल मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए होता है। इस टर्म्स को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं और फिर हमारे पास 3 की बजाय 4 पद बन जाते हैं। 1, फिर इसको 2 में तोड़ा, 2 और 1 ही 4, और 4 पदों में से फिर हम कॉमन लेंगे और हमारे गुणनखंड निकल जाएगा और गुणनखंड से हम फिर आंसर की ओर चलेंगे। तो देखिए किस तरह से, एक्स की 2 को हमने एक्स की 2 लिखा, प्लस 7 को देखिए, क्योंकि ये प्लस का है, यहां पर भी 5 और 2 प्लस करके ही आया, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखेंगे इसको, सिंपल 5x और दूसरा कौन सा था, 2x, 5x जमा 2x और प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। कुछ एक गाइड हैं जो बताते हैं, ट्यूटर हैं, वो क्या करते हैं कि इसको इस तरह से भी लिखते हैं, 5 जमा 2 करते हैं फिर बाहर में ब्रैकेट, मतलब 7 को तोड़ दिया 5 और 2 में। मैंने देखा है बहुत सारी क्लासेस में जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, यहां पर बच्चे जब प्लस या माइनस का क्वेश्चन होते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है, बड़ी दिक्कत उनको समझने में हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि यदि आप इस मेथड से समझेंगे, अभी आपको एक माइनस का भी समझाऊंगा अगली वीडियो में, तो आप बेहतर सीखेंगे, कभी भी इसमें गलती करने की गुंजाइश नहीं होगी। क्योंकि अभी हमारा ये भी प्लस था, ये दोनों भी प्लस थे, इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम, हमने प्लस के ही सारे लिए। हमारे पास कितने पद हो गए, अब 4 पद। जैसा कि मैंने कहा था कि पहले 2 पद और फिर अंतिम के 2 पद, इन पहले 2 पदों में से हमने कोई एक जो फैक्टर है उसको कॉमन लेना है। अब यहां पर देखेंगे x और x, यहां पर कॉमन क्या है हमारे पास, x। जब हम अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर क्या बचेगा, ये x की 2 थे, 2x थे, एक x बाहर आ गया और इसमें से x गया, तो केवल 5 हमारे पास बच गया। अब इन दोनों में से अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो प्लस और प्लस, जो प्लस यहां पर है आपने पहले प्लस लगा लेना है, उसके बाद x तो नहीं है दोनों में, परंतु 2 और 10, 2 और 10 में कॉमन क्या होता है, 2, ठीक है। तो अंदर कितना बचा, जब हम 2 से भाग करेंगे तो x बचेगा, जब 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 5 एंड इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो फैक्टर्स है उसमें फिर एक कॉमन है, क्या, x प्लस 5, x प्लस 5, ये दोनों में कॉमन है। तो सिंपल आपको बताता हूं, पहली बारी में आपने ये वाला फैक्टर लिखना है। किस तरह से लिखेंगे,
एक्स प्लस दो, और इन दोनों में से कॉमन, इन दो में से एक हमने लिखना आता है एक्स प्लस पांच, एंड इज दिस इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास गुणनखंड है एक्स प्लस दो और एक्स प्लस पांच उस द्विघात समीकरण के। अभी हमने इसको सॉल्व करना होता है। अब देखिए यहां पर एक कंडीशन आती है, एक्स प्लस दो इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा कि इन दोनों का जो गुणनफल है, इसका और इसका जो गुणनफल है, इसका आंसर है जीरो। तो आइदर या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। जैसे मान लो अगर ये जीरो है और इसकी वैल्यू चार है तो भी आंसर कितना आएगा, जीरो। या फिर अगर ये चार है इसकी वैल्यू जीरो है तो भी आंसर कितना आया, जीरो। तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता है कि कौन सा एग्जैक्ट जीरो है, हम दोनों को बारी बारी से जीरो मान के चलते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे या यहां लिखेंगे हम आइदर। आइदर भी आप लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले, आइदर या ये वाली टर्म जीरो है दिस वन, या फिर ये वाली टर्म जीरो है दिस वन। और उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस टू, और यहां पर से भी x इज इक्वल टू माइनस फाइव। सो जो हमारे पास x का आंसर आया दैट इज माइनस टू एंड माइनस फाइव। ये क्या है, दीज आर मूल, ये मूल भी है, और इनको हम हल भी कहेंगे और इनको हम शून्यक भी कहेंगे। किसके शून्यक, ये द्विघात समीकरण 7x प्लस 10 बराबर है जीरो। इस द्विघात समीकरण के दो मूल हमने आज निकाल लिए। कौन कौन से मूल आए, एक माइनस टू और एक माइनस फाइव। तो ये था हमारा द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका।